ट्रेडिंग में कहा जाता है कि अगर आपने ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीख लिया ना, फिर तो आप पैसा ही पैसा कमाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन क्या ये बात सच है या फिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे बड़ा स्कैम है, आज मैं आपको ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये देखकर आप सच में शॉक हो जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले एक बहुत ही पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर पैटर्न, जो कि दिखने में आपको एक हैमर की तरह दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। और इस पैटर्न के बनने के लिए कंडीशन यह है कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद आपको एक इस तरीके का हैमर पैटर्न बनता हुआ दिखना चाहिए, और जब यह पैटर्न बन जाता है तो फिर इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि ये अगर ग्रीन कलर का हो तब भी बुलिश माना जाता है, और अगर ये रेड कलर का हो तब भी बुलिश ही माना जाता है। तो चलिए अब इसको चार्ट में देखते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम इसको बैंक निफ्टी के चार्ट पे टेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा हम इसको 15 मिनट पे टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 15 मिनट से बड़े टाइम फ्रेम पे टेस्ट करेंगे तो फिर वो ऑप्शंस ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सूटेबल नहीं होगा, और अगर हम ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में टेस्ट करेंगे तो वहां पर ज्यादा फेक सिग्नल मिलने के चांसेस होते हैं, ये सभी को पता है। इसलिए 15 मिनट पे टेस्ट करना ही बेस्ट रहेगा। इसी के साथ हम हर कैंडलस्टिक पैटर्न को 10 बार टेस्ट करेंगे, और 10 में से हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बार काम करता है। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो ये हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअल में हैमर पैटर्न नहीं है, क्योंकि हैमर पैटर्न के लिए कंडीशन है कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और उसके बाद हैमर पैटर्न बने। लेकिन यहां पर मार्केट पहले अप ट्रेंड में है और उसके बाद ये पैटर्न बन रहा है, तो इसको आप हैमर पैटर्न कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये वाला पैटर्न एक हैमर पैटर्न है, क्योंकि मार्केट देखिए पहले डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद आपको एक हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए थी, बट देख सकते हैं कि इसके बाद भी शेयर की प्राइस साइडवेज रही है और इवन गिरी है, यानी यहां पर ये एक बार फेल हो चुका है। इसके बाद दोबारा से हैमर पैटर्न बनाए, लेकिन क्योंकि मार्केट साइडवेज पे है तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहां पर भी हैमर पैटर्न बनाए और मार्केट कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में था, लेकिन इसके बाद डायरेक्टली शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी, पहले प्राइस थोड़ा नीचे गई है। तो अगर आपने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका पहले स्टॉप लॉस हिट होता और उसके बाद प्राइस बढ़ती, यानी यहां पर हैमर पैटर्न ने काम तो किया है लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट फिर भी हैमर ने काम किया है, इसलिए यहां पर मिलता है इसको 1 पॉइंट। तो अगर हम 10 में से देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि हैमर पैटर्न ने सिर्फ इतनी बारी काम किया है और ज्यादातर केस में यह पैटर्न फेल हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं वो है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहां पर हम उन्हीं पैटर्न्स को टेस्ट कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा बार बनते हैं। तो इस पैटर्न की सबसे पहले कंडीशन समझ लेते हैं। तो इस पैटर्न के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो इस तरीके से मार्केट पहले गिर रहा हो और उसके बाद एक इस तरीके से रेड कैंडल बने, जैसी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और रेड कैंडल बनने के बाद एक जो नेक्स्ट कैंडल बने वो ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, जो कि कुछ इस तरीके की हो। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि रेड के बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है ना, ये इससे पहले वाली कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर ले, यानी जो बाद वाली कैंडल बन रही होनी चाहिए वो रेड कैंडल के ऊपर से शुरू हो और रेड कैंडल के नीचे तक जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो चलिए इसको भी अब टेस्ट कर लेते हैं। तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के लिए जरूरी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद रेड कैंडल को जो अगली ग्रीन वाली कैंडल है वो एनगल्फ कर रही होनी चाहिए, यानी जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के अंदर बन रही होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो इसके बाद तो प्राइस बढ़नी चाहिए थी लेकिन इसके बाद प्राइस गिर गई, यानी यहां पर इस पैटर्न ने काम नहीं किया है। इसके बाद ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको बुलिश एनगल्फिंग कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद आगे बढ़े तो यहां पर हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है जो कि डाउन ट्रेंड में बना है, और इस पैटर्न के बनने के बाद सच में एक अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिला है। इसका मतलब यहां पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ने अच्छे से काम किया है। लेकिन इससे जस्ट पहले देखें तो यहां पर भी ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ही था, लेकिन इस पैटर्न के बनने के बाद भी काफी देर तक प्राइस गिरी थी और आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो वो 100% हिट होता। अब इसके बाद यहां पर हमें एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पैटर्न के बनने के बाद थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ी है, तो यहां पर भी इसको एक पॉइंट मिलता है।
तो आप देख सकते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न 10 में से इतनी बार फेल हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम इनकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जो कि है बुलिश हरामी पैटर्न। इस पैटर्न में भी पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बने, लेकिन एक बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए वो एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, जो कि बड़ी रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बने। और जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो उसको बुलिश हरामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैपनीज में हरामी का मतलब होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसमें माना जा रहा है कि जो रेड कैंडल है वो वुमेन है और जो ग्रीन कैंडल है वो उसका बेबी है। और क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है तो इस पैटर्न के बनने के बाद भी शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पर एक बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके जस्ट बाद मार्केट क्लोज हो गया था तो इसमें हम ट्रेड नहीं ले पाते, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बट इससे जो जस्ट पहले वाला हरामी पैटर्न था, यहां पर इसके बनने के बाद प्राइस बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी प्राइस गिरी है, तो यहां पर यह पैटर्न फेल हुआ है। इसके बाद आगे बढ़े तो यहां पर ये जो पैटर्न है ये क्योंकि साइडवेज में बन रहे हैं तो ये दोनों पैटर्न को हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले वाला जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न आप देख सकते हैं कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है, और जैसे ही ये पैटर्न बना उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आपको एक ट्रेंड देखने को मिला है। तो यहां पर इस पैटर्न ने काम किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में बुलिश हरामी पैटर्न ने 10 में से सिर्फ 3 बार ही काम किया है, यानी ये जो पैटर्न है ये हर बार तो काम नहीं कर रहे हैं। तो सोचो अगर आपको पता हो कि कौन सी 3 बार ये पैटर्न काम करेगा तो कितना अच्छा होगा। खैर कैसे ये हम पता कर सकते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस ना कोई नहीं बनाता है। और आपके अकॉर्डिंग कौन सा चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ट काम करता है ये हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वैसे अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। इस पैटर्न के बनने के बाद भी शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं और इससे पहले भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। तो इस पैटर्न में बेसिकली होता क्या है कि 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिलती हैं, और जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो माना जाता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है और इसके बाद प्राइस बढ़ सकती है। तो चलिए इसको भी चार्ट में टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक 3 व्हाइट सोल्जर बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस नहीं बढ़ी तो ये फेल हो गया है। इसके बाद यहां पर देखिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है, साइडवेज ट्रेंड में है, तो ऐसे में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पर भी हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर देखें तो पहले देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद 3 व्हाइट सोल्जर्स बने हैं और उसके बाद ठीक ठाक प्राइस बढ़ी है, तो आप ट्रेडिंग में इसका प्रॉफिट जरूर उठा सकते थे, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर 3 व्हाइट सोल्जर्स बने हैं और उसके बाद प्राइस बढ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न का रिजल्ट भी 50% से कम रहा है। तो अब एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न को भी टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये पैटर्न्स काम नहीं कर रहे हैं। तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न से बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन तब आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं ये आपको लास्ट में बता रहा हूं। तो हैमर पैटर्न में क्या था, आपको इस तरीके का एक हैमर देखने को मिल रहा था, लेकिन यहां पर ये जो हैमर है ना ये जस्ट इसका उल्टा हो जाता है और ये कुछ इस तरीके का बनता है। तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न ऐसा दिखाई देता है और बाकी कंडीशन इसमें बिल्कुल सेम है। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बने और उस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और यहां पे एक ग्रीन कलर का है, लेकिन अगर ये रेड कलर का भी बनता है तब भी उसको इन्वर्टेड हैमर पैटर्न ही माना जाता है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बने तो उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो देखिए यहां पर बना है लेकिन उसके बाद प्राइस गिर गई है। तो अगर आपने इस पे ट्रेड लिया होता और स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, यानी यहां पर ये फेल हो गया है। इस जगह पर मार्केट साइडवेज है तो यहां पर इन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद यहां पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना और उसके बाद एक अच्छा हमें अप ट्रेंड देखने को मिला है, तो यहां पर इस पैटर्न ने काम किया है। Thank you.
इस केस में भी आप देख सकते हैं कि 10 में से सिर्फ 4 बार ही इन पैटर्न्स ने काम किया है, यानी अगर हम किसी भी केस में सिर्फ डायरेक्टली चार्ट को देख रहे हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पर इसका जो सक्सेस परसेंटेज है वो 50% भी नहीं है और इवन कुछ केसेस में तो 30-40% भी देखने को मिला है। बट फिर भी सब कैंडलस्टिक पैटर्न को सिखाते हैं, बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, इवन हमने भी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको देखकर आप सारे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में सीख सकते हैं। तो फिर जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर इनको सीखने का फायदा क्या है? तो इनको सीखने के पीछे रीजन ये है कि अभी जब हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख रहे हैं ना तो सिर्फ हम एक पैटर्न को देख रहे हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके पैसे कमाने हैं ना तो आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अकेले यूज नहीं करना है। इसके साथ सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करना है और इसके साथ ही आपको जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है तब तक आपने ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीख लिया और डायरेक्टली देखा कि अरे ये तो हैमर पैटर्न बन रहा है, चलो मैं बाय कर लेता हूं, तो ऐसे में आपको लॉस ही होगा। और ज्यादातर लोग जो इतना सब कुछ सीखने के बाद भी अपना लॉस करवा रहे हैं ना, उसके पीछे का रीजन यही है कि वो कंफर्म होने का वेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ पैटर्न्स को देख के ट्रेड ले लेते हैं, साथ में वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार लॉस होता है। तो चलिए, अगर आपने वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज किया होता, साथ ही कंफर्मेशन का वेट किया होता, तब आपको कितनी बार प्रॉफिट होता, अब ये देखते हैं। अब आप कहेंगे कि बैंक निफ्टी में तो वॉल्यूम शो ही नहीं होता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी में वॉल्यूम देखेंगे कैसे और कैसे कंफर्म होंगे? तो देखिए, ये तो मैं आपको पिछला चार्ट दिखा रहा हूं और बैंक निफ्टी का इंडेक्स दिखा रहा हूं, तो यहां पर तो हमें वॉल्यूम नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखने की जगह अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट देखेंगे तो वहां पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली बैंक निफ्टी में वॉल्यूम लगाएंगे तो वहां पर वॉल्यूम अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में वॉल्यूम लगाएंगे तो वहां पर आपका जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो अप्लाई हो जाएगा। अब वॉल्यूम को अप्लाई करने के बाद आपको यहां पर वॉल्यूम की सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाकर यहां पर वॉल्यूम MA का एक ऑप्शन होगा, उस पर आपने टिक कर देना है। और उसके बाद जब आप ओके कर देंगे तो वॉल्यूम के साथ आपको एक इस तरीके की एवरेज की लाइन भी देखने को मिलेगी। तो अब जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो कुछ इस तरीके से और यहाँ पे आपको इस तरीके का एक हैमर पैटर्न देखने को मिलता है तो उसके साथ ही आपने नीचे देखना है कि क्या साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा है और यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना है, तो यहां से आप कंफर्म हो सकते हैं कि इसका मतलब ये एक प्रॉपर हैमर पैटर्न है और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। साथ ही जब एक हैमर पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट कीजिए, देखिए कि वो एक बुलिश कैंडल बन रही है या फिर बियरिश कैंडल बन रही है। यानी मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद आपको दिखाई दिया कि एक हमारा हैमर पैटर्न बना है, साथ में आपने देखा कि यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ रखा है और उसके बाद आपने देखा कि हमारे हैमर पैटर्न बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है, तब आप कंफर्म होंगे कि अब यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। और जब ये सभी चीजें देखने के बाद आप ट्रेड लेंगे तब आपके ट्रेड के सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि इस जगह पर अगर आप सिर्फ हैमर पैटर्न को देखेंगे तो हो सकता है कि वहां पर वॉल्यूम कम हो, तो ऐसे में जो पैटर्न है उसके फेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उसके बाद आपने कंफर्मेशन का भी वेट नहीं किया तो उसके बाद ज्यादा चांसेस होंगे कि प्राइस गिर जाएगी, जिस वजह से ही जब हम बार बार उस कैंडलस्टिक पैटर्न को टेस्ट कर रहे थे तो वो फेल हो रहा था क्योंकि वहां पर हमने वॉल्यूम नहीं देखा था। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा था लेकिन नीचे आपको दिखाई देता है कि नीचे तो वॉल्यूम ही नहीं है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इस ट्रेड के फेल होने के चांसेस हैं। और उसके बाद देखिए, प्राइस थोड़ा बढ़ी लेकिन वापस नीचे आ गई थी। अब इसके बाद आगे बढ़े तो यहां पर देखिए, यहां पर भी मार्केट पहले गिर रहा था, उसके बाद बुलिश हरामी पैटर्न बना लेकिन नीचे आप देखेंगे तो वॉल्यूम नहीं है और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब यहां पर भी देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहां पर एक बार बुलिश हरामी पैटर्न बनता है और आपको दिखाई देता है नीचे वॉल्यूम नहीं है। अब इससे पहले भी एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है और इस जगह पर हमें वॉल्यूम भी दिख रहा है, तो अभी तक इतने सारे जो आपके फेक सिग्नल्स थे वो आपको नहीं मिलते, सिर्फ एक ही जगह पे आपको लॉस होता। तो
तो सिंपल सी बात है कि अगर आप सिर्फ किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड लेंगे तो वहां पर आपको इतने सारे फेक सिग्नल मिलेंगे कि आपको बार बार लॉस ही होगा। जबकि अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ वॉल्यूम का यूज करेंगे और साथ में थोड़ा कंफर्म होने के बाद ही ट्रेड लेंगे तो आपके जो फेक सिग्नल्स होंगे वो अवॉइड हो जाएंगे और आप ज्यादा बेटर सिग्नल्स की जगह पे ट्रेड करेंगे जिससे आपको प्रॉफिट होगा। तो यही कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप भी देख रहे हैं, दूसरा बंदा भी देख रहा है, आप बस वॉल्यूम को इग्नोर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है और दूसरा व्यक्ति वॉल्यूम को भी देख रहा है, बाकी कंफर्मेशन होने के बाद ट्रेड ले रहा है जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स हमेशा काम नहीं करते हैं, इसलिए हमें कंफर्म होने के बाद ही उन पर ट्रेड लेना होता है और जो लोग इस मिस्टेक को करते हैं उनको लॉस होता है। तो हमेशा कंफर्म होने के बाद ही ट्रेड लें। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो बिल्कुल फ्री में है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और कैंडलस्टिक पैटर्न की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहां पे नजर आ रही है, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।